तो गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो हम एक छोटी सी राइड के लिए निकले हैं आज, तो छोटी सी राइड करेंगे और घूम फिर के घर को वापस आएंगे। और ये है आगरा का सेंट जॉन्स कॉलेज है जी। हम जो पहुंचने वाले हैं हरी पर्वत चौराहे पर पहुंचने वाले हैं हम लोग, और ये हरी पर्वत चौराहा आ गया है। तो गाइस, हरी पर्वत चौराहे से हम लोग निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं आगे की तरफ, और देखते हैं थोड़ा आपको कुछ बड़े बड़े शॉट्स दिखाएंगे। सरप्राइज है भाई। तो भाई, बहुत दिनों के बाद आज मैं मॉर्निंग राइड के लिए निकला हूँ, और इतना बढ़िया लग रहा है ना भाई, खूब बहुत मज़ा आ रहा है आज की राइड करके। और ये सामने जो दिख रहा है, ये आपको भगवान टोक चौराया है। भगवान टोक चौराहे से हम मुड़ रहे हैं राइट साइड की तरफ, और चलेंगे हम थोड़ा सीधे और हाईवे पे आएंगे पहले। और वीडियो अगर पसंद आ रही हो आपको तो लाइक कर देना भाई, बिना लाइक के मत जाना भाई। आपके एक लाइक से, एक कमेंट से मोटिवेशन मिलता है भाई, बिल्कुल। तो हम आगे की ओर चलते हैं, और जो हमारे राइट हैंड साइड पे चल रहा है ये है NH 19, जो कि नेशनल हाईवे कानपुर लखनऊ वगैरह ये हाईवे गया है आगे। और हम अब आ गए हैं हाईवे पे, जो कि हाईवे है NH 19। तो काफ़ी शानदार हाईवे बनाया है, अब पहले तो बहुत ख़राब था, अब काफ़ी अच्छा कर दिया है इस हाईवे को। तो हम बढ़ाते हैं थोड़ी स्पीड गाड़ी की और देखते हैं कितना टच होती है। अब इस समय ज़्यादा थाम नहीं रही गाड़ी मेरी, तो सर्विस वगैरह तो स्पीड निकाल रही है ना, काफ़ी तो बहुत है, और थोड़ा सर्विस वगैरह की दिक्कत है। साउंड वगैरह थोड़ा सा जा रहा हुआ भाई, मैं इतना कह नहीं सकता कितना साउंड आ रहा है मेरे भाई। बात स्टेशन में इतनी दूरी जो है उसको बाहर आए तो क्या भाई नहीं। काफ़ी अच्छा चल रही है स्पीड वगैरह भाई, अपाची में यही मस्त लगता है मुझे। पावर अच्छी है, टॉर्क अच्छा है 160 के हिसाब से, पावर टॉक दोनों ही बढ़िया है 160 के हिसाब से, तो यही बात में अच्छी लगती है अपाची में। तो भाई अगर कोई अपाची ले रहा है तो भाई ले सकता है, मैं इसका रिव्यू भी कर दूंगा, और काफ़ी अच्छी बाइक है। मैं औरों के एक्सपीरियंस नहीं बता रहा, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा, जैसा इनने मेरा साथ दिया है ऑफ रोड में, माउंटेन्स पे, सब जगह एक नंबर चली है भाई ये गाड़ी, एक नंबर, कोई कमी नहीं हो सकता। मैं हर जगह ले गया हूँ इसको भाई, ऑफ रोड में, कीचड़ में, स्लश, सब जगह, एवरीथिंग। तो भाई गाड़ी की परफॉर्मेंस जो रही है भाई, एक नंबर रही है। तो गाड़ी जैसे कि आप देख रहे हैं कि बसेस वगैरह भी अब चलने लगी हैं एक शहर से दूसरे शहर के बीच। ये सर्कल है, इससे नीचे की साइड जाना ताजमहल वालों को, ऊपर नहीं जाना, नीचे की साइड से होकर निकलना है अगर ताजमहल जा रहे हैं आप, वाटर बक्स वैसे अगर मुड़े हैं तो। इतना काफ़ी कम है ये, और जो आप लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं, ये इसको बोलते हैं हम हाथी घाट बोलते हैं इसको, लेफ्ट हैंड साइड पर जो आपको दिख रहा है, और सामने ही आपको दिखेगा लाल किला, रेड फोर्ट सामने, ये आपको नजर आ गया रेड फोर्ट की झलक। और ये है आगरा का रेड फोर्ट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये सामने रेड फोर्ट है आगरा का। तो कुछ व्यू दिखाते हैं आपको अपने एंगल से, तो चलो। बताना कि आपको ब्लॉग कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना चैनल को।
यहाँ मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा, वहाँ जाके आप सब्सक्राइब कर देना और रेड फूड देख लीजिए, आपने टाइमलेस देख ही दिया हो टाइमलेस, और आपको अच्छा लगे हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। तो गाइस चलो हम यहाँ से निकलते हैं, अब थोड़ा आगे चलेंगे और आपको कुछ भी व्यू दिखाएंगे मार्केट वगैरह का। तो चलिए यहाँ से चलते हैं हम आगे की तरफ। तो अब कहाँ चले भाई, तो दिखाते चलो आगे के आप तरफ। तो ये रेड फोर्ट है, इस समय तो सब टूरिस्ट प्लेस सारे बंद कर रखे हैं इस समय, और जो सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है वो टूरिज़्म को ही सबसे ज़्यादा जो लॉस झेला है वो टूरिज़्म ने ही झेला है। और ये आगरे का रामलीला मैदान है जहाँ पे रावण को जलाया जाता है, और भाई दशहरा वाले दिन ये खचा खच पब्लिक होती है, यहाँ इतनी पब्लिक होती है, लाखों लोगों की संख्या में यहाँ लोग होते हैं, लाखों की संख्या में। और ये रेड फोर्ट की बाउंड्री जो आपको दिख रही होगी राइट हैंड साइड पे, वाई फ्यूचर में मैं आपको अंदर से भी इन दोनों चीज़ों को दिखाऊंगा और बता रहा हूँ आपको कैसा लगा। तो ये है बिजली का चौराया गाइस, ये आगरे की बालूगंज मार्केट है। आपको कोई भी सामान लेना है, आर्मी से रिलेटेड टेंट, आर्मी बूट, गम बूट, एवरीथिंग सब यहाँ अवेलेबल है आपको। अभी इस समय मार्केट थोड़ा थोड़ा खुल रहा है, और आपको कुछ भी लेना है अगर आप आगरे से, टेंट वगैरह कुछ भी आपको लेना है सब यहाँ अवेलेबल है, तो आप बालूगंज मार्केट से ले सकते हैं। मैं एक बार इस मार्केट का भी ब्लॉग बना दूंगा आपके लिए किसी दिन स्पेशल आके, तो आपको जो राइट साइड लेफ्ट साइड पे जो गेट दिख रहा है ये रावली महादेव का है। तो बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो रावली महादेव की भी दर्शन आपने कर लिए, किसी ने आपको अंदर से भी दिखाएंगे पर अंदर कैमरा अलाउ नहीं है तो बाहर से दिखा दिया आपको। तो अब हम जा रहे हैं वापस घर की साइड, और ये एमजी रोड है, एमजी रोड से हम राइट साइड लेफ्ट साइड में टर्न ले रहे हैं पुलिस लाइन की तरफ, पुलिस लाइन होते हुए हम सीधे निकल जाएंगे अपने घर की साइड। स्टेशन पर जाता है, ये गुरुद्वारा है वाहेगुरु जी की खालसा, ये सामने ईदगाह स्टेशन है रेलवे स्टेशन, और ये मंदिर है जय शिव ओम नमः शिवाय, ये फायर एक्सटेंशन ऑफिस, और ये पूरा पुलिस लाइन आ गया है, ये सब पुलिस लाइन है, गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं, पुलिस ऑफिस हैं, यहाँ सब कुछ है। तो हम तो ये परेड ग्राउंड है पुलिस लाइन का, यहाँ परेड वगैरह होती है ये। तो गाइस अब हम पहुँच गए हैं पचकुइयाँ पे, पचकुइयाँ चौराहे पे हम। तो आज की जो राइड थी हमारी वो हुई है लगभग 24 किलोमीटर की, तो 24 किलोमीटर की राइड थी हमारी आज की, तो 24 किलोमीटर हमने गाड़ी चलाई और आप लोग को लाल किला दिखाया, ताजमहल दिखाया थोड़ा सा बाहर से, और रावली मंदिर के दर्शन कराए बाहर से। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, तो चलो गाइस मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड सायोनारा।